आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएएल चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीबी अनंत कृष्णन सर के द्वारा उपलब्ध करवाई गई कुछ अपडेट्स के बारे में। जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि अब आने वाले दिनों में आपको एक के बाद एक जो गुड न्यूज़ है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आती दिखाई पड़ेगी, पर हमारी बात कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रही है, क्योंकि हाल ही में मीडिया को दिए गए एक वक्तव्य के दौरान सीबी अनंत कृष्णन सर ने तेजस प्रोडक्शन और उत्तम हिस्सा रडार को लेकर के एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट को साझा किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि उत्तम हिस्सा रडार को तेजस मार्क 1A में इंटीग्रेट करने के लिए जरूरी कदम जो है ये उठाए जा चुके हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि जो डेवलपमेंट है उत्तम हिस्सा रडार का, ये इस समय युद्ध स्तर पर चल रहा है। और 2021 में जब 83 तेजस मार्क 1A जेट का ऑर्डर फाइनल किया गया था, तो उसमें से जो 41 के बाद के तेजस एयरक्राफ्ट होंगे, यानी 41वां तेजस एयरक्राफ्ट और उसके बाद के जितने भी एयरक्राफ्ट होंगे, सब में आपको जो उत्तम ईसा रडार है ये देखने को मिलेगा, जो कि इजरायली इल्टा ELM 2052 ईसा रडार को रिप्लेस करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तम ईसा रडार हमारे लिए किसी बड़े माइलस्टोन से कम नहीं है, क्योंकि ये हमारे डिफेंस इंडिजनाइजेशन एफर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है, और इस फायर कंट्रोल रडार ने अपने 125 से ज्यादा जो फ्लाइट टेस्ट है वो दो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोटोटाइप की सहायता से पूरे भी कर लिए हैं। यानी उन्होंने कंफर्म कर दिया कि उत्तम ईसा रडार के 125 फ्लाइट टेस्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं। उत्तम फायर कंट्रोल रडार जो है ये इस समय रिग्रेस टेस्टिंग और वैलिडेशन से गुजर चुका है। इसने सभी मोड्स पे जो परफॉर्मेंस है ये काफी बेहतरीन दी है, फिर चाहे वो एयर टू एयर मोड हो या फिर एयर टू ग्राउंड मोड हो। उन्होंने कहा कि जो इवेल्युएशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है, और अब तेजस मार्क 1A की फ्लीट में आपको ये बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। अनंत कृष्णन सर ने ये कहा कि भारत में विकसित किया गया जो उत्तम ईसा रडार है ये कई मायने में इजरायली रडार से बहुत ज्यादा एडवांस होने वाला है। और अगर हम बात करें इस अपग्रेडेड वेरिएंट की, तो इसमें हमें तकरीबन 780 से लेकर के 912 TR मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। हालांकि ये जो उत्तम फायर कंट्रोल रडार का डेवलपमेंट था ये आसान नहीं था, इसके लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन अब एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि उत्तम ईसा रडार के सक्सेसफुल होने का मतलब ये है कि आगे के जो एडवांस वेरिएंट हैं उनका डेवलपमेंट भी काफ़ी फास्ट ट्रैक होगा, क्योंकि हम सब एक बात भली भांति जानते हैं कि सिर्फ तेजस मार्क 1A वो एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला जिसमें उत्तम फायर कंट्रोल रडार देखने को मिलेंगे, बल्कि हमें तेजस मार्क 2 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और सुखोई 30 MKI में भी इनके जो अलग अलग वेरियंट हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें जो सुखोई 30 MKI है इसमें उत्तम मार्क 3 देखने को मिलेगा, जबकि जो एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर और तेजस मार्क 2 है इसमें हमें उत्तम मार्क 2 देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी पावरफुल रडार सिस्टम होने वाले हैं। उत्तम ऐसा रडार पर बात करते हुए एचएएल चेयरमैन ने ये कहा है कि इसने जो कैपेबिलिटीज अभी तक प्रदर्शित करी हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं, और इसके आने के बाद तेजस की जो मारक क्षमता है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज के टारगेट को काफ़ी आसानी के साथ डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। इससे एयर टू एयर कॉम्बैट में भारतीय वायुसेना के इस फाइटर जेट को एक एज मिलेगा, क्योंकि मौजूदा इस कैटेगरी के दूसरे फाइटर जेट्स की तुलना में इसका रडार कहीं ज़्यादा पावरफुल बताया गया है। तो कुल मिलाकर के उत्तम ईसा रडार का जो टेस्टिंग है ये चल रही है, अभी तक सफलताएं ही प्राप्त हुई हैं, और इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये कंफर्म कर दिया है कि तेजस को इंडिजनाइज किए जाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, जहां पर उसके सभी जो मेजर सिस्टम हैं उनको स्वदेशी तौर पर तैयार किया जाएगा। दूसरी बात जिस पर सीबी अनंत कृष्णन सर ने प्रकाश डाला है वह है तेजस के प्रोडक्शन को लेकर के। हम सब अच्छे से जानते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को अपग्रेड करने के साथ साथ इनके प्रोडक्शन को बढ़ाए जाने की जो जिम्मेदारी है इसको भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसके अंतर्गत जो नासिक की प्रोडक्शन लाइन है इसको अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि तेजस मार्क 1A का जो निर्माण है वो यहाँ पर किया जा सके। सिर्फ तेजस मार्क 1A नहीं बल्कि जो HTT-40 एयरक्राफ्ट है इनका निर्माण भी यहाँ पर किया जाना है। इस पर अपडेट देते हुए सीबी अनंत कृष्णन सर ने ये कहा कि इस समय जो ये प्रोडक्शन लाइन है ये अपने फाइनल दौर से गुजर रही है, और जो पहला मैन्युफैक्चर्ड तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है ये आपको यहाँ पर मार्च 2025 में देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुरुआती तौर पे जो दो तेजस मार्क 1A यहाँ पर बनाए जाएंगे उनमें से पहला एयरक्राफ्ट आपको मार्च 2025 में रोल आउट होता दिखाई पड़ेगा, जो कि इस चीज़ का प्रमाण है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इनके प्रोडक्शन को बढ़ा रही है।
और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा क्योंकि भारतीय वायुसेना के लिए अधिक से अधिक संख्या में जो एयरक्राफ्ट है इनको बढ़ाए जाने का प्रयास HAL के द्वारा किया जा रहा है। और बाकायदा HAL ने जो थर्ड प्रोडक्शन लाइन है इसको इनॉग्रेट भी कर दिया है, जिसे तेजस मार्क 1A और STT-40 के लिए डेडिकेट किया गया है। और ये काम हुआ था नासिक फैक्ट्री में अप्रैल 2023 में। ये जो नई प्रोडक्शन लाइन है नासिक में, इसके आने के बाद तेजस की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम बेंगलोर के दो प्रोडक्शन लाइन की बात करें तो वहाँ पर तकरीबन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 16 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक मैन्युफैक्चर करने में सक्षम है, लेकिन नासिक प्रोडक्शन लाइन के एक्टिव होने के बाद ये नंबर 24 तक पहुँचेंगे और ये कार्य 2025 से 2026 तक पूरा भी हो जाएगा। अनंत कृष्णन सर ने ये कहा कि इनिशियली नासिक की जो फैसिलिटी है यहाँ पर हायर प्रोडक्शन रेट को ध्यान में रखा जाएगा। इनिशियली 8 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक ये मैन्युफैक्चर करने की क्षमता के साथ एक्टिव होगी, लेकिन आगे चल के इसे सिग्निफिकेंट अपग्रेड मिलते रहेंगे और नंबर्स को तकरीबन एडिशनल 4 जेट्स तक बढ़ाया जाएगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि ओवरऑल जो टारगेट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस के एनुअल प्रोडक्शन का वो 28 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक का है और HAL इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि वो इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने का सीधा तात्पर्य यह होगा कि हम कम से कम समय में जो ऑर्डर्स है इनको पूरा कर लेंगे और भारतीय वायुसेना को ये जो एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है ये मिलते रहेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं भारतीय वायुसेना घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और 2025 तक MiG-21 भी भारतीय वायुसेना को अलविदा बोल देंगे। उसके बाद जो एक गैप क्रिएट होगा MiG-21 के जाने के बाद, MiG-23 के जाने के बाद, MiG-27 के जाने के बाद, वो तेजस ही फिल करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको याद होगा हमने पूर्व की अपडेट में आपको बताया भी है कि 2027 से 28 तक जो ओल्डर जैगुआर वेरिएंट है जिसमें Darin-1 और Darin-2 है, इनको भी तेजस से रिप्लेस किया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, इनिशियली कहा गया था कि तेजस मार्क 2 वो एयरक्राफ्ट होंगे जो इनको रिप्लेस करेंगे, लेकिन अब क्योंकि एडिशनल 97 जेट्स की खरीद की जानी है तो ये अनुमान लगाया गया है कि Darin-1 और Darin-2 को रिप्लेस करने की जिम्मेदारी भी तेजस मार्क 1A के कंधे पर होगी और इसको बाकायदा भारतीय वायुसेना का समर्थन भी मिल रहा है। आपको एक बात और बता दें कि 2025 में आपको तेजस मार्क 2 से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कुछ रूमर्स सामने आए हैं जहां पर यह कहा गया है, हालांकि हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन इस समय डिफेंस के गलियारों पर एक चर्चा है कि एयर इंडिया 2025 में तेजस मार्क 2 की पहली झलक आपको देखने को मिल सकती है या एक बड़ा सरप्राइज आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट को अभी हम इंतजार कर रहे हैं वेरीफाई करने का, ये एक र्यूमर है या हो सकता है ऐसा कुछ प्लान भी हो, लेकिन अभी जो बातें सुनने में आ रही है उसमें यही कहा गया है कि 2025 में इसका रोल आउट कन्फर्म है और 2026 में इसकी पहली उड़ान को आयोजित किया जाएगा और अगले 2 वर्षों तक ये सिलसिलेवार टेस्टिंग से गुजरेगा और फिर इसे 2029 तक भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।